गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। देखिए ये एलकेजी की बुक है, आज आप लोगों का पहला क्लास होने जा रहा है एलकेजी का। बच्चों ये हिंदी की बुक है शब्द ज्ञान, इस बुक को आप लोग अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये एलकेजी की हिंदी की बुक है शब्द ज्ञान, आज आप लोगों का पहला क्लास होने जा रहा है। बच्चों देख लीजिए, इसमें आज आप लोग पेज नंबर 3 में बच्चों पढ़ेंगे पुनरावृत्ति, है ना। पुनरावृत्ति यानी पहले का पढ़ा हुआ, प्रीवियस पढ़ा हुआ, यानी नर्सरी में जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ स्वर है, स्वर यानी ये सब जो है स्वर वर्ण है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ अ है, ये अ वर्ण है, इसे आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। अ वर्ण से शब्द बनता है अ, द अद्र क रक अदरक, अज अज गौर अगर अजगर, और अ से अनार का चित्र बना हुआ है, यहाँ अनार लिखा हुआ भी है। तो इस तरह से अ से बनने वाले शब्दों को आप लोग जाना, चित्रों से शब्दों को पहचाना भी। अब हम लोग आते हैं आ में, आ से बनता है बच्चों आलू, आग और आम। देखिए यहाँ आम का चित्र भी है। अ से, आ से आलू आग और आम बनता है शब्द। दिन करना ये बच्चों हरसई है, हरसई से शब्द बनता है स्त्री, स्त्री यानी लोहा जिसको कहते हैं आयरन हम लोग। हरसई से बनता है इमरती और हरसई से इमली, देखिए यहाँ इमली का चित्र बना हुआ है। हरसई के बाद आता है बच्चों दुर्गई, दुर्गई से बनता है ईग, दुर्गई से ईसा और दुर्गई से ईख, देखिए ईख जिसे हम लोग गन्ना भी कहते हैं। ओके बच्चों, दुर्गई से ये सारा शब्द बनता है। अब दुर्गई के बाद आता है बच्चों हरसऊ, हरसऊ से बनता है उपवन, हरसऊ से उपहार और हरसऊ से, देखिए यहाँ उल्लू का चित्र बना हुआ है, यहाँ उल्लू लिखा हुआ भी है। तो हरसऊ से बना बच्चों उपवन, उपहार और उल्लू। अब यहाँ दुर्गऊ है, दुर्गऊ से शब्द बनता है बच्चों उद्विलाव, दुर्गऊ से बनता है ऊंट, दुर्गऊ से ऊन, देखिए यहाँ ऊन का चित्र बना हुआ है, यहाँ ऊन लिखा हुआ भी है। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने अ से लेके दुर्गऊ तक वर्ण को पढ़ा भी और उससे बनने वाले शब्दों को जाना भी। ये पेज नंबर 3 है बच्चों, अब हम लोग पेज नंबर 4 में आते हैं। देखिए यहाँ दुर्गऊ के बाद आता है बच्चों री, री से बनता है ऋग्वेद, ऋषे ऋषभ, ऋषभ यानी बैल जिसको हम लोग कहते हैं। ओके बच्चों, आ देखिए यहाँ ऋषे ऋषि का चित्र बना हुआ है, यहाँ ऋषि लिखा हुआ भी है। अब री के बाद आता है बच्चों ए, ए से बनता है एक, ए से एक तारा और ए से एरी, यहाँ चित्र बना हुआ है। ए से, ए के बाद आता है बच्चों आई, आई से बनता है ऐनक जिसे हम लोग चश्मा भी कहते हैं, और ऐसे ऐरावत हाथी जिसको हम लोग हाथी कहते हैं। ए से बनता है, ऐसे बनता बच्चों ऐरावत, ऐरावत मीन्स होता है हाथी, और ऐसे ऐनक यानी ऐनक को हम लोग चश्मा भी कहते हैं। यहाँ बच्चों है ओ, ओ से ओश, ओशे ओम, ओशे ओखली, देखिए यहाँ ओखली का चित्र बना हुआ है। फिर बच्चों ओ, ओ के बाद आता औ, औशे औषध, औशे औजार और औशे औरत, देखिए यहाँ औरत का चित्र बना हुआ है। औ के बाद आता बच्चों अंग, अंग से बनता अंगूठी, अंग से अंगूठा, अंग से अंगूर, अंग से शब्द बना बच्चों अंगूठी, अंगूठा और अंगूर, देखिए अंगूर का चित्र बना हुआ है जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं, जो आप लोगों को बहुत पसंद भी है बच्चों। अब अंग के बाद आता बच्चों अह, अह से बच्चों कोई भी शब्द नहीं बनता है, ये पेज नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने आज पेज नंबर 3 और 4 पढ़ा पुनरावृत्ति यानी प्रीवियस क्लास वर्क, जो आप लोग नर्सरी क्लास में पढ़ चुके हैं स्वर वर्ण और से लेके अह तक बनने वाले शब्दों को, है ना। इसे आप लोग फिर से एक बार घर में पढ़ेंगे बच्चों। ये आप लोगों का देखिए बुक है, इस बुक को भी अच्छी तरह से पहचान लीजिए, शब्द ज्ञान बुक है। ओके बच्चों, इसमें पेज नंबर 3 और 4 को आप लोग फिर से घर में पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले शब्दों को भी अच्छी तरह से रटेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।